जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के इस चैप्टर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फूड वगैरह क्या होता है, फूड या जो डाइट होती है वो हमारे लिए क्यों एसेंशियल होती है, हमें फूड में क्या कंटेन करना चाहिए क्या कंटेन नहीं करना चाहिए, हम जल्दी से वो रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था हमने, फूड को मैंने कितने पार्टों में डिवाइड किया था, दो पार्टों में। कौन सा? एक तो बैलेंस डाइट और दूसरा अनबैलेंस डाइट। एक तो बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस डाइट। बैलेंस और अनबैलेंस डाइट दो में डिवाइड किया था। बैलेंस कौन सी होगी? बैलेंस वो होगी जिसमें सारे के सारे क्या हों, एक फिक्स रेशियो के अंदर हों, सारे के सारे न्यूट्रिएंट क्या हों, एक फिक्स रेशियो के अंदर हो। और अनबैलेंस कौन सी होगी जिसके अंदर ये रेशियो क्या हो, डिसबैलेंस हो, यानी वो एक असमान रेशियो हो, जो चीज़ जितनी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व आपको जितना एसेंशियल होता है, जितना नीड होता है, उतना आपको अगर नहीं मिलता तो वो डाइट आपकी कौन सी कहलाती है, अनबैलेंस डाइट। तो हमने बैलेंस और अनबैलेंस डाइट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्या कि आपकी जो बैलेंस डाइट है उसके क्या एडवांटेज होते हैं, उसके क्या एडवांटेज होते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है बैलेंस डाइट का, इससे आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। इससे आपकी क्या होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है, यानी आपका संपूर्ण विकास होता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप यंग एज में हो तो आपको फूड ज़्यादा खानी चाहिए, अगर आप में ब्लड डेफिशिएंसी है, खून की कमी ऐसे है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग होता है, वो अगर है तो आपको फ्रूट वगैरह खाने चाहिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट का कंज्यूम करते हैं, बैलेंस डाइट यानी एक प्रॉपर रेशियो के अंदर न्यूट्रिएंट खाते हैं, तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी के अंदर एवरी फंक्शन विल बी एक्यूरेट। उसके बाद दूसरा एडवांटेज इस आप बैलेंस डाइट का क्या होता है, बैलेंस डाइट की वजह से आपका जो फूड कंटेनिंग या फिर फूड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंटेनिंग और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल सही प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। अगर मान लिया आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अनबैलेंस हो गया, क्या हो गया, अनबैलेंस, असंतुलित हो गया, या उसके फंक्शन में क्या आ गया, कोई फॉल्ट, कोई दिक्कत आ गई, तो आप क्या करोगे, आपके वो डाइट कौन सी में काउंट हो जाएगी, अनबैलेंस में काउंट हो जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस डाइट की वजह से आपकी सारी की सारी सारी फंक्शनिंग एक्यूरेट होती है, सारी की सारी फंक्शनिंग क्या होती है, एक्यूरेट होती है, वो डाइट तो होगी बैलेंस डाइट। और जिसमें आपकी फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, वो डाइट आपकी कौन सी हो जाएगी, अनबैलेंस डाइट हो जाएगी। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं बैलेंस और अनबैलेंस डाइट के बारे में। अब बैलेंस और अनबैलेंस डाइट के बाद हम बात करते हैं क्या कि आप अगर अनबैलेंस डाइट का यूज करते हैं, उसका कंज्यूम करते हैं, उसका सेवन करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो आपको क्या होगा। अगर आप अनबैलेंस डाइट का बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, मलन्यूट्रिशन, क्या हो सकता है, मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन एक सिंपल सा चीज, एक सिंपल सी डिजीज होती है जिसको आप क्या कहते हो, कुपोषण कहते हो। कहने का मतलब जब आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल, आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, उस टाइम आपको क्या हो जाता है, मलन्यूट्रिशन हो जाता है। उस टाइम आपको क्या हो जाता है, मलन्यूट्रिशन, मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। अब ये मलन्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, मलन्यूट्रिशन मेनली होता है तीन टाइप का। कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। पहला होता है विटामिन, विटामिन है मलन्यूट्रिशन। दूसरा होता है आपका प्रोटीन, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। और तीसरा स्टूडेंट आपका होता है कौन सा, मिनरल। पहला विटामिन, दूसरा प्रोटीन और तीसरा क्या होता है, मिनरल। अब इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपके मल्टीट्यूशन के तीन टाइप आप जान चुके हैं, कौन से, विटामिन, प्रोटीन और तीसरा मिनरल। अब हम बात करते हैं किसकी, विटामिन मल्टीट्यूशन की। किसकी बात करेंगे, विटामिन मल्टीट्यूशन। अब विटामिन आपकी डाइट का बहुत स्मॉल पार्ट होता है, विटामिन स्टूडेंट्स आपकी डाइट का क्या होता है, बहुत स्मॉल पार्ट होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, वेरी एसेंशियल, आपकी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत एसेंशियल, बहुत ही जरूरी होता है। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन हमेशा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। अब ये विटामिन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, और उस टाइप के अकॉर्डिंग, जिस टाइप के विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हुई है उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, डिजीज होती है। तो हम बात करते हैं अब इन विटामिन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपका विटामिन ए, कौन सा विटामिन है, ए। विटामिन ए को स्टूडेंट कहते हैं रेटिनोल, ए को क्या कहते हैं, रेटिनोल। अब इस विटामिन ए, इसकी वजह से आपको कौन सी डिजीज होगी, इसकी वजह से आपकी क्या हो सकती है, आपकी आई विजन,
आई विजन क्या हो सकते हैं, वीक हो सकता है आपका आई विजन यानी आपकी देखने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है, आपकी देखने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी, दूसरा विटामिन कौन सा होता है, बी। विटामिन बी की वजह से आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, बेरी, कौन सी डिजीज हो सकती है, बेरी। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपका विटामिन सी, विटामिन सी इसका इसकी वजह से आपको कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी। इसकी वजह से आपको कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी। अब देखो, अब बात करते हैं आगे विटामिन की वजह से होने वाले डिजीज। अब हम पढ़ चुके हैं विटामिन ए बी और सी के बारे में, किसके बारे में पढ़ चुके हैं, ए बी और सी। अब बात करते हैं आपका चौथा कौन सा, विटामिन डी। विटामिन डी आपको किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है, किससे मिलता है, विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। ये आपकी चार विटामिन है ए बी सी और डी, इन चारों की आपकी बॉडी के अंदर क्या नीड है और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब बात करते हैं आपका अगला मल्न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप। अब पहले टाइप के बारे में जान चुके हैं, कौन सा, विटामिन मल्न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं दूसरा टाइप आपका, दूसरा टाइप कौन सा होता है, प्रोटीन मल्न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप कौन सा होता है, प्रोटीन मल्न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की वजह से होने वाला कुपोषण। तो स्टूडेंट आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो हमेशा प्रोटीन से पीते हैं। किसे पीते हैं, क्योंकि प्रोटीन की वजह से, इसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से आपकी मसल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मसल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट। बिना प्रोटीन के आपके मसल्स का क्या नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अब आपके मसल को डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन। आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे, मान लिया कि आप किसी रीजन से प्रोटीन क्या नहीं कर रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आपकी किसका डेवलपमेंट नहीं होगा, मसल का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप क्या देंगे, वीक। क्या देंगे, वीक। आप हमेशा दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा किसको देखो, जो क्या होते हैं, बहुत ही पुअर। पुअर क्या होते हैं, गरीब होते हैं, वो प्रोटीन की क्वांटिटी को क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्रोटीन किसके लिए होता है, जैसा कि सेरल्स हो गए, अनाज, पल्सेस, फिश, ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। और गरीब इनकी क्या नहीं कर सकता, एफिशिएंसी इनको पूरा नहीं कर सकता। अब गरीब बच्चों में क्या देखने को मिलता है, वो बिल्कुल कमजोर होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से उनकी मसल्स क्या रहती है, डेवलप नहीं हो पाती, वो अनडेवलप होती, अनडेवलप ही रहती। तो प्रोटीन रिडक्शन की वजह से दो बीमारियां देखने को मिलती, पहली होती है क्वाशोरकर, पहली ऑप्शन होती है क्वाशोरकर, और दूसरी होती है मरेशमस। क्वाशोरकर और मरेशमस दोनों एक जैसी डिजीज है। क्वाशोरकर क्या होता है, आपका फेस येलो पड़ जाता है, फेस क्या होता है, येलो हो जाता है, और आपकी बॉडी क्या हो जाती है, वीकन हो जाती है। और मरेशमस में क्या होता है, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बिल्कुल।